गुरदासपुर के रहने वाले 21 साल के कुंवर अमृतबीर सिंह ने उंगलियों के सहारे 86 पुशअप्स कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ते ब्रूसली का रिकॉर्ड तोड़िया है। साड़ी संवाददाता प्रियंका राय ने उन्होंने नाल गलबात की है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी न्यूज़ आते हैं पंजाब को लेकर तो नशाखोरी से लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि पंजाब सरकार काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं जो पंजाब को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट ही नहीं बल्कि नए नए मुकाम भी लिख रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक जेनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अमृतबीर सिंह जी हैं जिन्होंने एक अनोखा तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उनसे ही जानेंगे कि उनको किस चीज़ को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने का मौका मिला और उसके साथ ही साथ कितना मुश्किल रहा ये पूरा सफ़र। पहले तो ये बताइए कि ये पूरा जो आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया कह सकते हैं, कैसे आया आपके मन में, क्या कितने दिन की मेहनत थी इसके पीछे और किस तरीके से आपने सोचा कि आपको ये माइलस्टोन हासिल करना है? पहले तो मैम मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इंटरव्यू का मौका दिया मुझे। रही बात मैम इस माइलस्टोन को पाने की, तो ये मेरा पहला रिकॉर्ड नहीं है, ये मेरा पांचवां रिकॉर्ड है। अब तक मैं 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ और इसकी शुरुआत मैंने मैम 2019 में की थी एंड अभी 2023 चलते चलते 5 रिकॉर्ड बना चुका हूँ। एंड इनकी प्रैक्टिस मैं कभी भी जिम में जाकर करने नहीं गया, घर में रहकर प्रैक्टिस की है। एंड इस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस सिर्फ मैंने 25 दिन तक की थी। तो ये रिकॉर्ड क्या है? आमतौर पर हमने देखा है कि पुशअप्स जो होता है वो फुल हैंड को इन्वॉल्व करके होता है, लेकिन इसमें आप साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये आपका फिंगर टिप पर पुशअप है। फिंगर टिप पर पुशअप क्या होता है आप दर्शकों को थोड़ा सा डेमो देकर बताना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, उन कनेक्टिविटी फील कर पाएंगे और वो समझ पाएंगे कि आखिर आपने हासिल क्या किया। तो अगर आप थोड़ा सा फिंगर टिप पर ये पुशअप करके दिखाएं, देखिए साफ तौर पर अमृतबीर को जो है वो फिंगर टिप पर पुशअप करने को लेकर ख्याति प्राप्त हुआ है, वर्ल्ड जेनियस रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है और साफ तौर पर ये भी कहा गया है कि मोस्ट पुशअप्स ऑन फिंगर टिप अमृतबीर ने किया है। उनसे ही जानेंगे कि वो कितने नंबर्स हैं जो इन्होंने 1 मिनट के अंदर पुशअप किया, फिंगर टिप पे किया और कितने दिन की प्रैक्टिस से इनको ये महारत हासिल हुई। अमृतबीर ये बताइए कि ये जो पूरा पुशअप है हाथ पे ना करके फिंगर टिप पे करने का आइडिया और आपको ये जो कंसिस्टेंसी लाने में अपने अंदर कितना टाइम फ्रेम लगा, कितने दिन की मेहनत है जो आपने रिकॉर्ड दर्ज किया? मैडम मैंने 9 फरवरी को ये रिकॉर्ड अप्लाई किया था। ये कैटेगरी होती है रिकॉर्ड की, अलग अलग कैटेगरी होती है, तो इस रिकॉर्ड की कैटेगरी में मैंने अप्लाई किया। 9 फरवरी से लेकर 7 मार्च को फिर मैंने अटैम्प्ट किया था रिकॉर्ड, मतलब 25 दिन के बीच बीच मैंने अटैम्प्ट कर दिया था। एंड सिर्फ कंसिस्टेंट रहा मैं, 21 से 22 दिन प्रैक्टिस की मैंने, सारी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके उन्हें सेंड करी फिर मैंने। आगे का क्या भविष्य सोच रहे हैं, क्या इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम युवाओं को भी मैसेज देना चाहते हैं अपने थ्रू या फिर हम खुद एक ऐसा मैसेज बनना चाहते हैं जिसको खुद यूथ आइकॉन की तरह लोग फॉलो करें, तो आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा ही है? उम्र क्या है आपकी, क्या पढ़ाई करते हैं आप, क्या आपका रोड मैप है और आगे भविष्य को लेकर क्या लक्ष्य है? आपने मैम स्टार्टिंग में इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब में ड्रग्स को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूज़ देखने को मिलती है, तो मैं उसी उड़ता पंजाब से बिलोंग करता हूँ। एंड ये उड़ता पंजाब दूसरा उड़ता पंजाब है जो फिटनेस के बनाया शुरू है, फिटनेस के मुकाम हासिल कर रहा है, तो ऐसे ही बाकी यूथ को मैं मोटिवेट करूँगा, इंस्पायर करूँगा कि वो भी अपना पैशन ढूँढें, उसके ऊपर काम करें एंड मेहनत करके अपने अचीवमेंट्स हासिल करें। और मेरी एज अभी 21 ईयर्स है, मैं BA लास्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ और आगे भी स्टडी मतलब अपनी कंटिन्यू रखूँगा ग्रेजुएशन के बाद भी। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ अब इस तरीके की एक्टिविटीज से भी युवाओं को प्रेरणा देने का पूरा काम करेंगे। अमृतबीर से एक लास्ट मैसेज लेंगे, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर एक लाइन में पूछूँ तो? देखो मैम हर किसी की इच्छा होती है कि मैं भी यार TV पर आऊँ, मैं भी स्टार बनूँ, तो अगर स्टार बनना है तो यार मेहनत करो अपने पॉजिटिव तरीके से, अपने पैशन को ढूंढो, उसके ऊपर काम करो। हर एक के अंदर एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट को ढूंढो, उसके ऊपर काम करो एंड मेहनत करो। तो देखा आपने कि किस तरीके से मेहनत करो और स्टार बनो, ये जो लोगो है, ये जो नाम है, ये जो काम है, उसका मैसेज साफ तौर पर अमृतबीर ने युवाओं को दिया है। अब युवाओं को डिसाइड करना है कि किस तरीके से उनको अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखनी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।